किया तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बबली जी ने नशा किया था। ये मैं बिल्कुल कंफर्मली कह सकता हूँ कि बबली ने नशा किया था, और नशा क्यों किया था ये मेरी समझ के बिल्कुल पास है। तो क्या हाल है भाई लोग, तो यार आ चुके हैं PUBG Mobile Live की नई वीडियो में। और जिस वक्त तुम्हारा भाई यार थर्ड हिल जाता है, और थर्ड हिल जाते ही यार इतने सारे बंदे हैं ना कि पता ही नहीं लगता यार कौन कहाँ है कौन कैसे है। तो यार ऐसे घर पे उतरता हूँ जहाँ पे यार गन के नाम पे पिस्टल, हाँ पिस्टल भी नहीं मिलती। तो यार नीचे उतर के अभी मैं गन ढूंढता हूँ, और कौन सी गन मिलेगी आपको पता है, सस्ती गन नहीं महंगी, हाँ सकारेल मिलती है। तो सकारेल मिलने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे M16 मिलती है, और थोड़ी दूर पर चलने के बाद M4 मिल जाती है। तो जैसे मेरे हाथ में M4 लगी, मेरे भाई कहते हैं आगे बंदा है, तो देखो बंदा कहाँ है। हमारे भाई यहाँ पर खड़े खड़े ले रहे थे हाँ TPP, तो हम इसे लॉबी पहुंचा के आगे बढ़ते हैं। और आपने सोचा होगा कि हम बॉट मारेंगे, तो यार बॉट से पहले बंदा जरूरी है, क्योंकि यार बंदा हमें मार डालता। तो उसके बाद फिर मैं छत पे चढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार कोई एंगल ढूंढो, और हमारे भाई के पास कार 98। इस बॉट को या फिर ये बंदा था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। हमारे भाई के पास कार 98 है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे समझ में नहीं आता कि मैं किसे नॉक करता हूँ और या फिर मेरी किल चोरी हो गई। हमारे भाई उसको पूरा किल करते हैं पर मुझे किल नहीं मिलती, मेरे समझ के बिल्कुल पार है। पर इस बंदे को मारने के बाद मुझे किल मिल जाती है, और इस मैच में एक नशेड़ी भी मिलेंगी जो कि नशा करके मैच खेलते हैं। बहरहाल वो होने वाला है, उसके पहले हमें एमओ की कमी भी होगी, और हमारे भाई के पास कार 98 आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे उस तरफ छत पे बॉट दिखता है, तो मैं उसे मारने के लिए छत पे जाता हूँ, पर देखो क्या होगा आगे, हमारे भाई गायब, और हम इन्हें ढूंढते हुए इस बंदे को स्पॉट कर पाते हैं। तो तैयार हो जाओ क्योंकि अब बारी है नशेड़ी बंदों से। इस मैच में तुम्हारे भाई को दो नशेड़ी बंदे मिलेंगे, अब पहले को देखिए। और किसी चीज का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बबली जी ने नशा किया था, ये मैं बिल्कुल कंफर्मली कह सकता हूँ कि बबली ने नशा किया था, और नशा क्यों किया था ये मेरी समझ के बिल्कुल पार है। तो बबली जी हमारी पहली नशेड़ी थी, पर इस मैच में मैं आपको दो नशेड़ी को दिखाऊंगा। और इस बॉट को मारने के बाद मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, क्योंकि पीछे से फुट्स आते हैं यार, तो यार अंदर नहीं मारेंगे तो यार किल कैसे बढ़ेगी। तो आगे बंदा दिखता है तो हम इसे मारते हैं, और आपने देखा भी क्या होगा। बहरहाल इस बंदे को मारने के बाद मैं अपनी एमओ की तरफ देखता हूँ। इस कारण तो मैं बस नाम के लिए लिया हूँ, बाकी चला M4 रहा हूँ। तो बहरहाल अब एमओ की कमी आप लोग देख सकते हैं सॉरी एमओ की कमी आप लोग देख ही सकते हैं। उतने में हमारे भाई एक बंदे को स्पॉट करते हैं, और देखो किसे मारते हैं। जब आपका नेट सस्ता हो तब यही होता है। बहरहाल कोई बात नहीं यार, आप लोग मेरी पिंग देख सकते हैं, तभी कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इतनी पिंग में खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर इनको लॉबी भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यार पता नहीं कैसे ज्यादा बॉट आ जाते हैं, कभी कभी गुस्सा लगती है, पर कोई बात नहीं। एमओ खत्म हो चुकी थी, और मैंने सोचा इनके पास भर भर के एमओ होगी, पर आप खुद ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे AKM उठा लेने चाहिए थे, लेकिन मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि इन भाई के पास एमओ होगी, इन भाई के पास एमओ होगी, पर एमओ होती किसी के पास नहीं।
तो इस बात को मारने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारी एमओ भी खत्म हो जाती है। उतने में यहाँ पर गाड़ी आती है। गाड़ी क्या, बग्घी। तो मैं उधर बॉट मारने के लिए चला जाता हूँ, हमारे भाई मुझे बुलाते हैं, पर मैं बॉट नहीं मारता, फिर मैं इसी को देख लेता हूँ। अगर यहाँ पर एमओ होती तो मैं इन दोनों में बंदों को मैं मार पाता कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने एक को नॉक कर दिया था, पर हमारे पास एमओ नहीं थी, तो मैं अपने भाई से एमओ मांगता हूँ। तो देखिए क्या होता है। हमारे भाई कहते हैं बाहर आने तो दो, तो मैं कहता हूँ उस तरफ से आओ, इधर हम खड़े हैं। पीछे से पड़ती है, तो फिर अब भाई से एमओ मांगते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी शर्म लगी, पर यार एमओ तो जरूरी ही है, तो मैंने उनसे एमओ ले लिया, और जो कि मैं कभी नहीं वापस करूँगा। तो इन दो बंदों को मारने के लिए हमारे भाई कहते हैं कि एक नेट फेंक दो। तो हाई विंग था, इसीलिए मैंने नेट पहले फेंक दिया, जो कि कुछ नहीं होता। तो इस बॉट को मैं नॉक करने के बाद पीछे वाले बंदों को देखता हूँ, पीछे वाले बंदों को देखता हूँ, और देखिए क्या होगा। तो अभी आपको एक आवाज आई होगी, वो आवाज हमारे चाचा हमको बुलाते हैं। तो मैं अभी उधर से काम करके आ रहा हूँ, और इस भाई को नॉक करने के बाद पीछे से बहुत ज्यादा फायर हो रहा था, तो मैं पीछे की साइड जाता हूँ, पर बॉट पीछे ही होता है। और यहाँ पर एमओ की इतनी ज्यादा कमी पड़ेगी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बहरहाल उसके बाद फिर इसे मैं मार देता हूँ, और इसको पूरा खत्म करने के लिए मुक्केबाजी पर आना पड़ेगा। पेड़ के पीछे वाले की मुझे बिल्कुल भी कदर नहीं है, पर अब होगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ही बचता हूँ, नहीं तो भी हमारे भाई हमको रिवाइव नहीं देते। मैं अपने भाई से कहता हूँ कि कार 98 है तुम्हारे पास, क्या कर रहे हो, मारते नहीं उनको। तो हमारे भाई देखो कैसे भरते हैं उन्हें, और हमारे भाई ने उन्हें नॉक कर दिया है। और इस हालात के बाद अब एमओ की शायद ही जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर हमारे भाई कहते हैं पीछे से एक बॉट है या बंदा मुझे नहीं पता, तो मैं कहता हूँ बॉट है, बॉट है। तो अब देखो कैसे भरते हैं इसे। बॉट इतना बढ़िया टीपीपी लेना जानते हैं ना, कि कोई कॉन्करर प्लेयर भी नहीं जानता होगा। बहरहाल M4 की थोड़ी सी एमओ मिलती है, उसके बाद मुझे अपनी एमओ पर ध्यान आता है, तो मैं एमओ ढूंढने लगता हूँ। इस वाले बंदों को मार रहा था, तब हमारे भाई बताते हैं यहाँ पर आओ किल चोरी कर लो। तो देखो मैं कैसे चोरी करता हूँ किल। अब यहाँ से मुझे शायद एमओ की कमी हुई होगी, मुझे इतना तो याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना मैच खेला गया था, और मेरे एग्जाम के कारण मैं इसमें वॉइस ओवर नहीं कर पाया था। तो कोई बात नहीं यार, अब निकलते हैं यहाँ पर और आते हैं अपने दूसरे नशेड़ी बंदे की ओर, जो कि यहाँ पर अभी तक बॉट मार रहा था। वाला बंदे की कील उसे मिल जाती है, और वो बंदा मुझे दिख भी जाता है, पर वॉइस ओवर करते टाइम अब पता नहीं उसने क्या नशा ले लिया, या फिर कौन सी, छोड़ो यार, नशे में तो था वो, ये फिक्स है। और वो हमें दिखता भी नहीं है, हम उसे इस तरह ढूंढते हैं जैसे पागल। हमारे भाई वहां पर बताते हैं वहां है, यहाँ है, वहां है, कॉरिडोर के बगल है, पर वो होता कहाँ है ये अब पता लगेगा। मैं यहां से निकलने वाला था, पर हमारे भाई कहते हैं मिल गया हूं।
और भाई के सामने दिखाने के बावजूद भी। मैं इतनी देर के बाद ढूंढ पाता हूँ उसे। बहरहाल पता नहीं कौन सा सस्ता नशा किया था या फिर इस दिन मेरी किस्मत ही खराब थी। दो दो नशेड़ी बंदों मिलने के बाद मेरा भरोसा उठ चुका है। हाँ, पबजी लाइट्स। तो बहरहाल यहाँ पर 15 किल हो चुकी थी। तुम्हारे भाई ने सोचा कि 18-19 किल तो हो ही सकती हैं, अभी बंदे भी लाइव हैं। तो मुझे दूर एक गाड़ी खड़ी दिखती है, तो मैं कहता हूँ रुको गाड़ी और स्कोप बदलने दो, तो देखो अब क्या होता है। मैंने एक गोली भी नहीं मार पाता हूँ और इनकी गाड़ी भी थक जाती है, शायद कहीं और से पड़ रही थी इनको। तो मैं पैदल ही जाने लगता हूँ और अब ड्रॉप में से देखो क्या मिलता है। ड्रॉप में आपको पता है, मुझे भी पता होगा, आम तो बिल्कुल नहीं होगी। तो क्या होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारे भाई कहते हैं मैं ड्रॉप लूटने जा रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ रुक जाओ तुम, मैं लूटूंगा ड्रॉप। और भाई की कार 98 देख लीजिए आप लोग, भाई इसकी नहीं दिखाते फिर रहे हैं। बहरहाल कोई बात नहीं यार, हमारे भाई कहते हैं मैं जा रहा हूँ ड्रॉप लूटने, तो मैं कहता हूँ ड्रॉप का माल मत छूना, ड्रॉप का माल मेरा है। तो अभी देखो कैसे लूटते हैं ड्रॉप। और यहाँ पर तुम्हारे भाई ने AUG ले लिए क्योंकि 3 ही बंदे बचे हैं और एक बंदे की मौत आने वाली है। और देखिए कैसे, हमारे भाई कह रहे हैं कोई गाड़ी से आ रहा है, तो मैं कहता हूँ सतर्क हो जाओ मैं आ रहा हूँ। और देखो क्या होता है, हर मैच में मेरे साथ ऐसे एक ना एक सीन हो ही जाते हैं। और देखिए कैसे मारते हैं इसे। मेरे सस्ते नेट की वजह से भाई ने मुझे इतना ज्यादा डैमेज दे दिया, पर कोई बात नहीं यार। अब भाई को पीछे से पड़ने लगी, उधर से पड़ने लगी, तो अब यहीं पर मैच का मज़ा थोड़ा सा किरकिरा हो जाता है क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों तरफ बंदे हैं और मैं अपन यहाँ पर हीलिंग करने आ जाता हूँ, पर मुझे बंदा पता नहीं कहाँ है जबकि बंदा मेरे सामने ही होता है। और मैं अपने भाई से कहता हूँ यार कार 98 दे दो, तो हमारे भाई कहते हैं नहीं दूंगा। यार AUG के चक्कर में हमारे भाई उसी तरफ खड़े हो गए हैं जिस तरफ वो बंदा है। और मैं रिवाइव मांगता हूँ, मैं कहता हूँ रिवाइव तो दे दो यार, कार 98 नहीं दे रहे हो। बहरहाल कोई बात नहीं, भाई मेरे 10 बार स्मोक मांगते हैं पर मैं एक भी बार नहीं देता। मैं कहता हूँ हीलिंग तो करने दो। उसके बाद फिर उस बंदे ने मुझको कार 98 से मारा, तो मैं कहता हूँ यार रिवाइव दो, इस बार बताता हूँ। और देखो फिर से रिवाइव लेगा तुम्हारा भाई। इस बार रिवाइव होने के बाद मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि हीलिंग करूँ, पर देखो क्या होगा, वो बंदा कार 98 पे कार 98 चला जा रहा है। और इस बार रिवाइव होने के बाद मैं उसे मार डालूंगा। और जैसे इस बार रिवाइव होगा मैं तुरंत ही उसकी पेटी में डालूंगा। और आखिरकार स्मोक तुम्हारे भाई ने दे ही दिया। इस बार रिवाइव होते ही उसकी देखो कैसे पेटी बनाने का सोचता हूँ, पर बना नहीं पाता क्योंकि ये RPG वाला बंदा जो है ना बहुत ही गंदा होता है। बहरहाल अब देखो मुझे कैसे रिवाइव मिलता है, यूं मिल जाएगा रिवाइव। और अब देखना कैसे मारते हैं इसको, और वो भी फ्री में। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं यार, यहाँ पर थोड़ी सी गलती मेरी भी थी और हमारे टीममेट की भी थी क्योंकि उन्होंने, अगर शायद मुझे कार 98 दे दिया होता
तो शायद मैं आज जिंदा होता और हमें मिल चुका होता चिकन डिनर। कोई बात नहीं यार, किसी न किसी दिन तो अपन चिकन डिनर निकालेंगे ही, और जिस दिन निकालेंगे उस दिन पार्टी। बहरहाल कोई बात नहीं, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। हाँ यार, हमारे शॉर्ट आउट सिस्टम की बात मैंने की थी, यूनिक कमेंट करने पर शॉर्ट आउट मिल रहा है। पर यार कोई बात नहीं यार, क्योंकि अभी तक कोई यूनिक कमेंट नहीं दिखा, इसीलिए तुम्हारे भाई ने भी कोई शॉर्ट आउट नहीं दिया। जिस दिन टॉप 3 यूनिक कमेंट मिल जाएंगे, उस दिन तुम्हारा भाई पक्का पक्का शॉर्ट आउट देगा। तो यार आशा, इसी आशा के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ कि यार आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कर लोगे। यार वीडियो बनाने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है कि क्या ही बताऊँ, इसलिए इसी आशा के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। और आपसे थोड़ी एक और बात करनी थी यार, तुम्हारा भाई अब जॉम्बी कैचर्स के एपिसोड डालेगा, तो उसमें भी यार अपना तगड़ा रिस्पॉन्स दिखाना। तो यार अब वीडियो को एंड करते हैं, ये वैसे मैं चौथी बार कर रहा हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।